Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Somerville, a most delightful man, taken tahai kya hoga, majedar, polite person, to whom my debt is great, this ka mere upar bahut bada karz hai. Was charged with the duty of teaching the stupidest boy the most disregarded thing. उनको सबसे बेवकूफ अहमक बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया जो कि सबसे ज्यादा क्या थी डिस क्या होगा रिगार्डेड डिसरिगार्डेड से मुराद क्या होगा बड़ी ही घटिया कमतर इंसल्टेड ह्यूमिलिएटेड बात थी. स्टूपिड का मतलब होता है फूलिश अनवाइस बेवकूफ. चार्ज विद का मतलब वो ड्यूटी लगाना. अब यहाँ पे ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं आ मोस्ट और द मोस्ट. जैसा कि आपको पता है कि जितने भी इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं वहां पे हम द मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम किसी को कहना हो सुपरलेटिव डिग्री लगानी हो तो हम कहेंगे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल इन हर फैमिली इन हर फैमिली. अब यहां पे देखिएगा यहां पे मोस्ट यहां पे सुपरलेटिव कंपैरिजन है यानी जब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान हो. और शी इज अ मोस्ट डिलाइट या शी मोस्ट She is a most kind person. तो यहां पे मुराद most से comparison नहीं होगा बल्कि यहां पे मुराद most से क्या मुराद होगा वो very के meaning में इस्तेमाल करेंगे. ये standard dictionary में तो कहीं पे standard जो ना वो dictionary में कहीं नहीं है इसका इस्तेमाल, लेकिन बहुत सारे English grammars में इसका इस्तेमाल है. उसके मुताबिक जहां पे आम मोस्ट आ जाए इससे मुराद क्या होता है वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव मीनिंग नहीं दे रही होती बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा का मीनिंग दे रही होती है. तो वाज वेरी डिलाइटफुल यहाँ पे इनफैक्ट अदर वर्ड्स यू कैन से इसका मतलब क्या है वेरी डिलाइटफुल मैन जी. उसके बाद क्या है जी डिसरिगार्डेड थिंग उसको एक्सप्लेन कर रहा है डैश लगा के. जैसे हमने कहा था कि जब डैश लग जाए तो वो क्या होता है वो जो डैश है वो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है. इन नॉन एंड अपोजिशन को भी इस्तेमाल करते हैं. ये हमने पढ़ा था पंक्चुएशन का लेक्चर आपको सेंड किया था. टू राइट मीर इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजी लिखना. ही न्यू हाउ टू डू इट वो जानता था ये सब कैसे करना. नो हाउ के बाद हम क्या यूज करते हैं इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज एवर टॉट उन्होंने कभी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जैसे कभी किसी ने नहीं पढ़ाया. नॉट ओनली डिड वी लर्न क्या होगा इंग्लिश पार्सिंग ना सिर्फ हमने इंग्लिश के पार्सिंग सीख ली. पार्सिंग से मुराद क्या होगा उसके टुकड़े करना पीसेस करना ब्रेकिंग करना थारोली कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे. बट वी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली इंग्लिश एनालिसिस बल्कि क्या होगा मुसलसल हमने अंग्रेजी का तज्जिया किया. अब यहाँ पे सेंटेंस में गलती देखिएगा एक तो प्रैक्टिस एस वाला आएगा और इंग्लिश एनालिसिस आपका ऑब्जेक्ट है. प्रैक्टिस किसकी कर रहा है इंग्लिश एनालिसिस की और जो आपका एडवर्ब आता है वो एडवर्ब हमेशा कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद. एडवर्ब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता. अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिक्वायर करेगा और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका एडवर्ब कभी भी उससे पहले नहीं लगा सकते. वो वर्ब से पहले हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले या वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं हो सकता. तो ये होना चाहिए प्रैक्टिस इंग्लिश एनालिसिस continuously या continuously practice English analysis. दोनों possibilities हो सकती हैं. Mr. Somerville had a system of his own. उसका अपना ही एक निजाम था पढ़ाने का. He took fairly long sentence. वो काफी लंबा sentence लेता.
फेयरली हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि कोई क्या होगा, ही इज फेयरली अ स्टूपिड पर्सन, ये रॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि फेयरली हम यूज करेंगे किसमें, पॉजिटिव सेंस में ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कह सकते कि ही इज फेयरली क्या होगा, फेयरली ईवल मैन, ये गलत होगा। वहां पे हम रादर का इस्तेमाल करेंगे। जब नेगेटिव सिचुएशन हो तो वहां पे हम रादर का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे पॉजिटिव हो वहां पे फेयरली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फेयरली इसलिए है, लॉन्ग सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंसेस मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ब्रोक इट अप, और इसको तोड़ देता, ब्रेक इट अप। अब ब्रेक इट तो तोड़ना है, ये अप इस ब्रेक अप के साथ नहीं है, बल्कि इसका तल्लक है अप टू इट्स कंपोनेंट्स, ये अलहदा से है। ये नहीं समझना, ये सप्लिट प्रपोजिशन नहीं समझना इसका, कि ब्रेक के साथ अप इस्तेमाल किया गया है, रादर ये ब्रेक इट है और अप टू द कंपोनेंट्स है। तो ये क्योंकि अगर इसको ब्रेक के साथ अप मिलाएं तो फिर इसका सेंस और बन जाता है, फिर ये कता तुल्लक होना है, रिश्ता तोड़ देना है। और अगर ब्रेक इट है और अप टू द कंपोनेंट्स है, यानी कि उसके सेंटेंस के उसके हिस्सों तक वो तोड़ता था, बाई मीन्स अ ब्लैक रेड ब्लू एंड क्या होगा क्या होगा ग्रीन इंक्स, उसके साथ जो ना वो क्या करता था उसको इनटू क्या होगा ग्रीन इंक्स ब्लू रेड क्या होगा ग्रीन इंक्स किसके साथ क्या करता उनको, उनके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज कंडीशनल क्लॉजेस कंजक्टिव और डिसजंक्टिव क्लॉजेस सभी को अलग अलग से मार्क करता। तो इस तरह से वो यूज किया करता था उनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तलिफ तरीके से। ईच हैज इट्स ओन कलर, हर पार्ट ऑफ स्पीच का, ईच ये ज्यादा में से एक को लिया गया है तो ये सिंगल होगा, हर एक का अपना कलर होगा, ईच के हिसाब से जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इट होगा। एंड इट्स ब्रैकेट, उसकी अपनी ब्रैकेट होती, इट वॉज काइंड ऑफ ड्रिल, एक किस्म की एक्सरसाइज होती, वी डिड ऑलमोस्ट डेली, तकरीबन हम रोजाना करते हैं, रिमेन इन थर्ड थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स, किसी दूसरे से ज्यादा, मतलब तीन दफा ज्यादा रहा, यानी तीन साल तक वो पढ़ता रहा। यहाँ पे सवाल है जी हमारा, हाउ डिड सॉमरवेल टीच इंग्लिश, ये ऐसे भी हो सकता है, या सॉमरवेल का टीचिंग मेथड इफेक्टिव कैसे था। जी कौन करेगा जी, एनीवन, हाउ डिड सॉमरवेल टीच इंग्लिश वेल? सॉमरवेल फेयरली टुक लॉन्ग सेंटेंसेस, ही ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय मींस ऑफ ब्लैक रेड ब्लू इंक, सेंटेंस होगा तो इट होगा या देम होगा, देन देम जी, चलें जी। उसके बाद और कोई ऐड अप करेगा इसमें? Anyone? He also taught them English phrasing and how to practice English continually. दोबारा कीजिएगा। He also taught him English phrasing and how to practice exercise continually. जी, he also taught English parsing. एंड क्या होगा दूसरा, क्या आपने बताया, फ्रेजिंग नहीं कहेंगे इसको, पार्सिंग कहेंगे, यानी अलग अलग करना पार्ट्स में उसको चेंज करना। जी दूसरा क्या था, एंड हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश कंटिन्यूअली, जी क्या होगा, इंग्लिश पार्सिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ इट्स यूज, कह लेना हाउ टू, जो ना वो कोऑर्डिनेट नहीं करता आपके वर्ब के साथ, जो है वो हाउ टू वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा जो पहले आपने वर्ब इस्तेमाल किया। जी इसके अलावा जी, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड अप,
Mr. Somerville had a system of his own. Mr. Somerville had a system of his own. जी, इसके अलावा जी. No one. Who will sum up the whole answer? Whole answer को कौन sum up करेगा? जो अभी तक जितने लोगों ने comments दिए. Mr. Somerville taught them English in a unique way, and he used to take long sentence and break it into components by using black, red, blue inks. Fan बंद कर लो ऐसा, fan बंद कर लो अपना. जी भी. Anyone else? जी ऐसे करिए. Mrs. Somerville taught them English in a unique way. He used to take a long sentence and break it into its components by using black, red, and blue inks. And each grammatical item had its own ink and bracket. And he made them do drills of analysis. In this way, Churchill learned English. Shabash, learned English. Very good. Jibe. ये तो था हमारा इसके related question. ये question कई तरह से आता है और very important question. एक तो हाउ डिड ही अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर, और दूसरा हम क्वेश्चन है कि हाउ डिड समरवेल टीच इंग्लिश, या हाउ इम्प्रेसिव वाज द टीचिंग मेथड ऑफ समरवेल, या हाउ डिड ही टीच इंग्लिश इम्प्रेसिवली. किसी तरह से भी इस क्वेश्चन आ जाए जो आपने कर लिया है. लास्ट पे आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं, बल्कि आपने ऐसा नहीं किया जिसको कि वो ही क्या होगा, मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑफ क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, वो यूज का इस्तेमाल, उसके यूज की प्रैक्टिस करवाता था. जी बच्चों, नाउ कम टू द सेंटेंसेस, करेक्ट देम. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा. अगर आपने द मोस्ट लगाना है तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे वेरी के मीनिंग में आएगा. जी, द मोस्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ है, इन हिज कंपनी, उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ है. हाउ टू टीच नो के साथ हमने क्या यूज करना है, हाउ टू का इस्तेमाल करना है, हाउ टू टीच. बट ही इज एस्कॉर्टेड हो गया. Not only के बाद क्या यूज हुआ है, he met है, यानी क्लॉज है, सब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब मौजूद है, तो ये यहाँ पे पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना चाहिए, ये ही इसी तरह से यहाँ पे आएगा. जी, they are rather mean and cunning. अब जरा mean और cunning क्या है, नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके साथ हमने rather लगाना है, उसके साथ हम fairly इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो नेगेटिव जहां पे मीनिंग हो, नेगेटिव मीनिंग से मुराद नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है, मॉरली एथिकली रॉन्ग या नेगेटिव हो, तो वहां पे हम फेयरली का इस्तेमाल नहीं करते. क्लियर हो गया जी. नेक्स्ट है जी हमारा रिमेनिंग पार्ट, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. आई हैड 3 times as much of it. मैंने 3 मरतबा ये सब किया. I learnt it thoroughly. मुकम्मल तौर पे से सीखा. Thoroughly जो है ना वो adverb है. वो learn का meaning में इजाफा कर रहा है. How का जवाब दे रहा है, यानी adverb of manner है. Thorough और thorough adjective होता है इसका. Thoroughly adverb है. Thus I got into. इस तरह से मैं क्या हो गया इसमें, दिलचस्पी ली. Get into ये phrasal verb है. इसका मतलब होता है किसी चीज में दिलचस्पी ले जाना, किसी चीज में खूब जाना, जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. माई बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस सीख लिया, विच इज अ नोबल थिंग, ये बड़ी शानदार बात है. एंड व्हेन इज आफ्टर इयर्स माई स्कूल फेलोज हु हैड वन प्राइजेस एंड डिस्टिंक्शंस फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोएट्री एंड पिथी ग्रीन एपिग्राम्स हैड टू कम डाउन अगेन टू द कॉमन इंग्लिश.
और जो मेरे दोस्त जो फेलोज जिन्होंने प्राइजेस जीते थे, पोजीशन हासिल की थी, क्या होगा डिस्टिंक्शन, प्रोमिनेंस होता है, यानी दूसरों से डिफरेंस, इम्तियाज हासिल करना। सच ब्यूटीफुल लैटिन पोएट्री इन पिथी का मतलब होता है बड़ी ही शॉर्ट अल्फाज में कहे जाए, कंसाइज, कंडेंस। और राइटिंग सच एपिग्राम्स का मतलब प्रोवोब, जिस तरह से सेइंग होते हैं उसको हम एपिग्राम्स कहते हैं, सेइंग्स, कोटेशन। हैज टू कम डाउन, दोबारा से उसी जगह पे आना पड़ा। कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, इससे मुराद फिजिकली नीचे आना भी होता है, जैसे ही केम डाउन ऑफ द हार्ट्स, यानी कि वो नीचे आना फिजिकली भी है, और इससे मुराद ऊपर वाले लेवल से नीचे आना, इसको भी हम कम डाउन कहते हैं। अगेन टू कॉमन इंग्लिश, उसको यानी बड़ा अपने आप को समझते तो दोबारा से वो नीचे आना पड़ा, यानी कॉमन इंग्लिश पे आना पड़ा। टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लिविंग से मुराद लाइवलीहुड। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट डिसएडवांटेज, मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं लगा। Naturally, I am biased in the favor of poets learning English. Definitely, चूंकि मुझे English से प्यार था, इसलिए मैं biased हूँ। Biased का मतलब prejudiced, किसी तरफ inclined होना, disposed होना, किसी तरफ bent होना, उसको हम कहते हैं that is called biased. Would make them all learn. मैं सभी को क्या करता, वो जो मैं उनको English सिखाता, and then I would let them clever ones. और लेट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जब सब्जेक्ट मौजूद है, वो देम लर्न कर रहे हैं, वन लर्न कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके साथ वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लैटिन एज एन ऑनर, लैटिन को ऑनर के तौर पर, ग्रीक एज ट्रीट, फीस्ट के तौर पर। बट ओनली थिंग आई वुड विप देम, फिर उनको मैं चाबक मारता, ये क्या होगा, घोड़ों को जिससे चलाते हैं उसको हम विप कहते हैं। For not knowing English, के तुम्हें English नहीं आती, I would whip them hard for that. उसके लिए मैं जोर जोर से उनको वो छंटे मारता, उनको वो स्टिक मारता। तो यहाँ पे असल में वो शो कर रहा है उनके लिए hatred शो कर रहा है, जो लोग जो है ना वो क्या, जो स्टूडेंट क्या सीखना चाहते थे, लैटिन, क्योंकि वो इंग्लिश से प्यार करता था और वो he was a true patriot. तो इस तरह से वो अपने डिसअप्रूवल का इजहार करता है उन लोगों के लिए जो लैटिन सीखना चाहते थे। अब क्या हुआ जी, व्हाट बेनिफिट डिड ही गेट फ्रॉम हिज, क्या होगा, 3 ईयर स्कूल, या क्या होगा, एट हैरो या स्कूल, 3 साल के उसके स्कूल से उसको क्या फायदा हुआ जी, कौन बताएगा जी? कम ऑन, 3 ईयर स्कूल से उसको क्या फायदा हुआ ये इंग्लिश सीखने से? हेलो, जी फायदा हुआ कि नहीं हुआ उसके? स्टडी इंग्लिश हो सके, उसने क्या सीखा उसमें, उसके 3 साल स्टे में क्या चीज सीखी उसने? स्टडी इंग्लिश वाज अ गुड गेम फॉर चर्चिल, as he learned the basic structure of the sentences in his 3 years at Harrow. ठीक है, कौन सी चीज सीखी? Essential structure उसने सीखा, ये basic structure सीखा ordinary English का, ठीक है, जो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ उसके, किस में beneficial हुआ उसे? It was because it helped it in the daily life as well as it was a source of livelihood for him. जी, एक तो उसके daily life में इस्तेमाल हुआ क्योंकि लोग तो इस्तेमाल क्या करते थे, English इस्तेमाल करते थे, तो उसमें वो successful politician बना उसी की वजह से,
और दूसरा क्या है, इट वॉज अ सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड, उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका सोर्स ऑफ इनकम. ही बिकेम अ गुड राइटर एंड पॉलिटिशियन. जी, गुड राइटर एंड पॉलिटिशियन. हु विल रिपीट इट? जी, इस आइडिया को कौन रिपीट करेगा? ये सवाल दो तीन तरह से आता है कि क्या ये एडवांटेज था, ये डिसएडवांटेज था. तो आप कहेंगे ये एडवांटेज था, क्योंकि उसने क्या सीखा, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया. जी, और कौन बताएगा? जी, दैट्स नाइस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. इट मींस दैट यू आर अवेक एंड listening to the lecture very attentively. As Churchill remained in the lowest grade three times, he had to learn English thrice, and he knew all the essential structures of English. This benefited him a lot in his daily life as well as in his practical life. He became a successful politician and writer. Yeah, but sure. अब यहाँ पे new की बजाय आप क्या कहें? Learned कह लें. क्योंकि न्यू जब लिखेंगे तो हम कहेंगे कि उसे पहले से पता था, और लर्न से मुराद क्या है, उसने सीखा इस दौरान, तो उसके लिए हमने वो लर्न का इस्तेमाल करेंगे. उसके लिए जी, उसके बाद इसमें एक और सवाल आता है कि वो क्यों कहना चाहता था कि वो लैटिन नहीं सीखनी. इनफैक्ट वो क्या था, ही वॉज अ पैट्रियार्ट, और क्या होगा, he opined that yeah he asserted that the englishman yeah an english speaker should learn english first, pehle usko angrezi seekhni chahiye. Come to the sentences ji, what will be the right one? Learn english thoroughly ho gaya. Got into Come down हो गया. After the loss है, loss के बाद क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे. जी, हाउ डिड समरवेल टीच इंग्लिश? जी, ये अदर देन दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड, फ्रॉम हिंट्स द अदर पीपल विल डू इट. आमना इकबाल, अनिका शबीर, आंसर शायद. गेट अवेक एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द हिंट्स गिवन. Somerville taught English effectively. He taught English grammar analysis and pressing. He took fairly a long sentence. He broke it into its component parts of speech by means of black, red, blue, and green links. He carried out a type of drill. Taught, took, broke, or carried out. जी, next sentence. अब जिसने जवाब नहीं दिया, मैंने उसको क्लास से निकाल देना भी. जी, टू बार एफ. आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपका नेट का मसला है. जी, अनिका शबीर. Churchill was a great giver. He had a great gain for Churchill. He learned essential structure of British sentence. He became a good writer and politician. It is useful to learn his livelihood. It is अभी है या उस वक्त था? It was. और he was a great gain था या learning English for 3 years great gain था उसके लिए? Learning English for three years was a great gain for Churchill. He learned essential structure, or he became a good writer, which was useful for
क्या फॉर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड. नेक्स्ट सेंटेंस है जी, व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर टीचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जी करेगी फिजा इशफाक. Our teachers ask suitable questions based on the whole syllabus. They are appropriate for every sort of intellectual level. They really test our knowledge and applied skills. ये subjective question है, आप कोई भी idea दे सकते हैं. इसके अलावा किसी का idea हो, ये generalized question है exercise का. इसके अलावा आप कोई भी idea दे सकते हैं question के बारे में. Other than that, I have mentioned. कौन बताएगा इसके अलावा? Don't be bookworm, just give your opinion. It is not a good habit to just learn and produce. You give your own opinion. Come on. They also ask questions on current affairs, which enhances our knowledge. Jee. There are the questions from the current affair which enhance knowledge. हमने question की nature हम बात करें, हम उसके topics पे बात नहीं कर रहे कि कौन से topic पे पूछते हैं. Topics तो जाहिर है वो हजारों होंगे. हमने बताना है कि किस type के question होते हैं. Easy हैं, difficult हैं, किस तरह type के question हैं, comprehensive है, critical है, creative है. ये type of question है, not के topic of question क्या. जी, anyone? Who wants to add up? Allah aapke haal pe raham kare. Ji, examiner kya hoga? Kaun se kuch kehte hain? Student complain karte hain ki examiner wo sawal poochte hain, those questions which students don't know. Is the complaint just? Kya ye shikayat sahi hai? Ji, it will be done by Parvayaman. Parvayaman. जी, उसके बाद है जी फातिमा मुबारक. इट इज नॉट जस्ट, इट इज डन बाय लेजी एंड अनप्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स डू सिलेक्टिव स्टडीज, दे डोंट नो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. जी, क्या होगा? This complaint is not just because it is done by lazy students who don't prepare या who are unprepared for examination. They have या they do selective study and don't know the application of concepts and they don't as a result they don't do well in the examination. इसके अलावा जी आप क्या कहेंगे जी, ये complaint कौन करता है? या कंप्लेन सही है या नहीं सही? चलो बोला. चर्चिल प्रेफर क्यों करता है इंग्लिश को ग्रीक और लैटिन के मुकाबले में, और अप्रिसिएशन करता है या क्रिटिसिज्म करता है लैटिन के, क्या कहेंगे आप? सारा खालिद. सानिया सर्वर, चर्चिल प्रेफर्ड इंग्लिश टू लैटिन एंड ग्रीक बिकॉज़ इंग्लिश वाज यूज्ड प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ. इंग्लिश बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज
and a source of modern knowledge. It was useful for him in writing and politics and the means of livelihood. Jee. Churchill preferred English to Latin because it was used practically in daily life. It became international language and source of modern knowledge. And it was useful for him in writing and politics. दो ही काम थे, उसके writer भी था और political leader भी था. देखिएगा जी कौन कौन से prepositions हैं जो आपने correct कीजिएगा जी. शाबाश. With. The charge with. Warned him of single of वाला होगा. Right to the chairman. Right to होगा, किसी को लिखना होगा. With the pen. With the pen हो गया. In reading. In reading. In reading. About the wealth. For. Working on. On. For. At the spectacle. At. जी, next. For. Yawn for. For. Yield. क्या होगा? Two. Two हो गया. और at the table हो गया. जी, नेक्स्ट पेज पे भी प्रेपोजिशंस हैं. लेट्स सी. वेट फॉर होता है इंतजार करना. वेट ऑन का मतलब होता है किसी की क्या होगा, हुक्म का इंतजार करना. तो वेट ऑन हो गया. नेक्स्ट. फॉर मी. वेट फॉर मी. For change. For me. For the request for. For the adjournment. For adjournment. At. Trust in. Triumph at. Over. Over. At. ये इन ट्रेसपासिंग इन. उसके बाद फॉर ट्रेड विद. विद होगा किसी पर्सन के साथ करना. इनटू टेस्टिफाई द केस. प्रपोजिशन नहीं लगेगी. डू योर फेवर. For your favor. सही है, सही है. About the incident. Ask for my behavior. Ask for किसी की वजह मालूम करना. Talking to, जिससे बात, बल्कि क्या होगा, to आ गया. Whom are you talking? बस ठीक है, ये सही है. Talking about, नहीं बल्कि talking to हो गया. He's talking to his friend. ये याद रखिएगा जो 14 वाले में देखिएगा. Whom are you talking to? या टू होम आर यू टॉकिंग टू. ज्यादा सुटेबल जो है ना वो है होम आर यू टॉकिंग टू. टू को हमने उसके साथ वर्ब के साथ इस्तेमाल करना, लेकिन हमारी कन्वेंशनल ग्रामर में दोनों ये इस तरह से लिखा जाता है टू होम. जी, ऑन दिस सबसिस्ट ऑन. सस्पेक्ट ऑफ हो गया, ऑफ द क्वेल हो गया. जी,
बताइएगा जी, मगरब में जमहूरियत उस तर्ज हुकूमत को कहते हैं, कौन करेगा जी? रेज योर हैंड्स। रिमशा रियाज। इसमें सब्जेक्ट जमहूरियत है, इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट इस सेंटेंस में। अभी यहाँ पे वर्ब क्या है? कहते हैं। कहते हैं, कौन कह रहा है? मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है, किसको कहा जा रहा है? जमहूरियत को। जमहूरियत को, तो ये फिर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन है और वर्ब है, तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा, पैसिव होगा? Passive. कौन सा टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रूटीन में क्या कहते हैं? तो रूटीन में कहा जाता है ना, फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, तो क्या होगा? शाबाश, आप बनाए सेंटेंस। इन्वेस्ट डेमोक्रेसी सच अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इन द वेस्ट, मगर में जमहूरियत है, तो ये जमहूरियत के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये फ्रेज उसके बाद लगेगी, जो एडजेक्टिव फ्रेज होगी जिसके मीनिंग में इजाफा करेगी, तो क्या होगा? द डेमोक्रेसी इन द वेस्ट, डेमोक्रेसी इन द वेस्ट इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ सिस्टम जहां पे इन विच आजादी मसावात और खुबत हो। जी रिमशा, आपने कैरी ऑन करना, तीन सेंटेंसेस। वेयर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड प्रिवेल। ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पे होना वर्ब हो गया और कौन है? आजादी मसावात और खुबत, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इन विच क्या होगा? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड या फ्रटर्निटी एग्जिस्ट या प्रिवेल या आर प्रेजेंट, दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको। जी नेक्स्ट वाला जी, आपने करना ये भी। होते हैं वर्ब है जी, होना वर्ब है और मुंतखिब नुमाइंदे सब्जेक्ट है। जी मुंतखब नुमाइंदे सब्जेक्ट है, ताकत का सरचश्मा होते हैं। ऑब्जेक्ट ताकत का सरचश्मा नहीं, ये जिसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है। आपके दो जो ना वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ताकत का सरचश्मा और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, ये दोनों के बारे में, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हम कहेंगे कायदे आजम एक लॉयर थे, तो लॉयर होना क्या है? कॉम्प्लीमेंट है कायदे आजम का, तो ये क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बनेगा? ताकत का सरचश्मा, क्या बनेगा? सरचश्मा द सोर्स, द सोर्स ऑफ पावर इज, अब सोर्स सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? अभी की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, तो The source of power is the selected candidates of. नहीं, selected नहीं होता, selected जो आप खुद उसको select कर रहे थे, इसको हम कहते हैं मुंतखब, elected क्या होगा? Representative of masses in, क्या होगा? In democracy क्या होगा? अब subject हमारा क्या है? ताकत का सरचश्मा, the source of power is the elected representative of the masses in democracy, और अगर इसको सब्जेक्ट बनाए अवाम के नुमाइंदे, तो क्या लिखेंगे? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसेस आर द सोर्स ऑफ पावर इन इट या इन डेमोक्रेसी। ये दोनों तरह से किसी दोनों को सब्जेक्ट लिया जा सकता है, एक सब्जेक्ट बन जाएगा और दूसरा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा उसका। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस जी कौन करेगा? मिनाहल इमरान। तस्वीर यहाँ वर्ब है।
वर्ब है? नहीं वर्ब नहीं है। क्या है? इंफॉर्मेशन सेंटेंस है। इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन में क्या देखते हैं हम? और भाई सब्जेक्ट देखना ना, उसमें सब्जेक्ट देखना और सब्जेक्ट के बारे में देखना, क्या बताया गया है? कहीं ज्यादा बुलंद है ये, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इस्लामी जमहूरिया का तसव्वुर है और किसके बारे में क्या बताया गया है? कहीं ज्यादा बुलंद है तो क्या होगा? इस्लामी जमहूरिया का तसव्वुर कहाँ बुलंद है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक इज नॉट तसव्वुर की क्या इंग्लिश होती है? थॉट। The concept of Islamic Republic is not Islamic Republic. ठीक है। The concept of Islamic Republic is not too much high. नहीं, कहीं ज्यादा बुलंद है। ये कहा नहीं, कहीं ज्यादा बुलंद। Is very high या very क्या होगा? Very exalted। ठीक है, बहुत ज्यादा बुलंद है जी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस। इसमें हुकूमत अल्लाह की है। द हुकूमत वर्ब है। वर्ब नहीं बेटा, सब्जेक्ट है। क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो गया? असल हुकूमत है, अल्लाह की है। ये इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस। ये कौन सी साइंस है जिसमें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करने लग गए हैं? क्या होगा? Allah Almighty is his right on there. Asal hukumat daliel government is of Allah Almighty in it. ठीक है, या the true क्या होगा? Government या sovereignty is of Allah Almighty in it. जी कोई और करेगा जी? रमेश सशबीर, रमेश सशबीर, रोजबा, इसमें जो है ना बुनियादी कवानीन जो है ना सब्जेक्ट है। और पंखा बंद करें इतनी सर्दी लगी आपको, पंखा बंद करके किया करें, सारा शोर आता है। इसमें वो जो बुनियादी कवानीन है वो सब्जेक्ट है और कुरान हकीम ऑब्जेक्ट है और वाजिया करना जो है ना वर्ब है। ये वजा किसको किया गया है, कौन कर रहा है? कुरान हकीम में फैन बंद करें भाई, फैन बंद करें। कहा बंद है सर। कौन कर रहा है वजा, कौन कर रहा है? कुरान हकीम। कुरान हकीम वजा कर रहा है, अल्लाह ताला ने किया वाज़ह कुरान हकीम में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला बुनियादी कवानीन को वाज़ह किया है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और किस क्या होगा अब, ये कौन सा टेंस है? आप माइक बंद कर दो जी। क्या होगा, बुनियादी कवानीन कुरान हकीम में वजह कर दिए गए हैं, क्या होगा अब? यहाँ पे एक्शन क्या है, कंप्लीट हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है, तो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो बेसिक क्या होगा, लॉज पैसिव वाइज में क्या यूज करेंगे? हैव बीन। क्या होगा, हैव बीन एक्सप्लेन्ड या हैव बीन क्लैरिफाइड इन द होली कुरान। उन्हीं कानून में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। वर्ब क्या है, रद्दोबदल करना। सब्जेक्ट क्या है, कोई किसको रद्दोबदल नहीं कर सकता इन कवानीन में। ये ऑब्जेक्ट हो गया।
यहाँ पे कैपेसिटी को शो कर रहा है, कर सकता है. नो वन कैन ऑल्टर दिस क्या होगा लॉस. अवाम के नुमाइंदे वही कानून बनाते हैं. वर्ब क्या है बनाना, कौन बना रहा है अवाम के नुमाइंदे, किसको बना रहे हैं वही कानून. तो क्या होगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसेस ओनली लेजिस्लेट दोज लॉज जो कुरान सुन्नत की रोशनी में बनाए गए हों. बनाना वर्ब हो गया, कौन बना रहा है नहीं पता, किसको बनाया गया है जो के, और इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया कुरान सुन्नत की रोशनी में. क्या होगा, दोज लॉज दैट हैव बिन, अब बनाए गए हैं बना चुके हैं, दैट हैव बिन मेड या क्या होगा फॉर्मुलेटेड या लेजिस्लेटेड इन द लाइट ऑफ क्या होगा द होली कुरान. तो ये था आज का आपका लेक्चर. इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन नेक्स्ट में है. यू हैव टू डू एट योर ओन, यू कांट लर्न अंटिल यू डू एट योर ओन.